क्या हुआ? लाइट आंखों पे लग रही है, आंखों पे लाइट लग रही है अबुल हसन। अबुल हसन इधर देखो, इधर देखो। जब बच्चे कमरे में होते हैं तो फिर ये हाल होता है, बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो अभी मैं सारा कमरे की सफाई करूँगी, पहले इसको समेटूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं सफाई करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका वेलकम हमारे चैनल फैमिली फूड हाउस पे। और सुबह का टाइम है, मैं ऊपर वाले पोर्शन की सफाई कर रही हूँ। तो इस वक्त लाइट चली जाती है, बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं, तो फिर मैं इस टाइम जो है घर की सफाई वगैरह इस टाइम कर लेती हूँ। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो फिर बच्चे कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तो फिर काम नहीं हो पाता। सेटिंग हो गई है, अभी मैं फ़र्श धो रही हूँ क्योंकि बच्चे खाने पीने की चीज़ें नीचे गिरा देते हैं तो फिर मक्खियाँ भी आती है, इस वजह से मैं रोज़ ही फ़र्श धोती हूँ। अब मैं किचन की सफाई करने आई हूँ, तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं किचन की सफाई करूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है। और अभी जो है मैं लंच की तैयारी करूँगी, लाइट भी आ गई है। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ चारसद्दा का जो फेमस मोटे चावल होते हैं, तो वो मैं पकाऊँगी, खिचड़ी में पकाऊँगी और वो बहुत मज़े की बनती है, उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जो है साबुत मूंग लिए थे और उनको मैंने उबालने रख दिया था, तो जब वो उबल गए थे तो फिर मैंने उसमें सारे जो स्पाइसेस थे वो उसी में मैंने डाल दिए थे, और टमाटर और हरी मिर्चें भी मैंने उसी में डाल दिए थे, और यखनी भी मैंने इसी में ऐड कर ली थी। तो फिर उसके बाद सबसे आखिर में मैंने इसमें चावल जो है वो डाल दिए थे, और पानी इसमें मैंने ज़्यादा डाल दिया था ताकि ये मुलायम रहे, और आखिर में सबसे आखिर में मैं इसको प्याज का तड़का दूँगी। तो प्याज जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए रखे हुए, तो जब प्याज फ्राई हो गए थे तो काफ़ी मज़े ऐड कर लिए, तो काफ़ी यम्मी बनती है ये खिचड़ी। और हमारे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। और मैं जब भी मार्केट जाती थी तो उम्मी हानी मुझसे एक ही बात कहती थी कि मम्मा मेरे लिए कलर्स लेकर आना और मेरे लिए डॉल लेकर आना, टेडी बियर लेकर आना, तो ये तीन चीज़ें लाजमी वो कहती थी। और अब्दुल हई कहता था कि मेरे लिए सुपरमैन कार लाना या पुलिस कार लाना, तो आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, दोनों के लिए कलर्स लेकर आई हूँ। और
ये अब्दुल भाई के लिए पुलिस कार लेकर आई हूँ और उम्मे हानी के लिए ये वाली डॉल लेकर आई हूँ। और बच्चों के कुछ पैम्पर लाई थी, कुछ घर के सब्जियाँ वगैरह जो थी वो लेकर आई थी। अभी बच्चे ट्यूशन से आएंगे, फिर मैं उनको दूंगी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है, माँ बाप की खुशी होती है। एक सरप्राइज़ रखा है, सरप्राइज़। पहले आप आइज़ क्लोज करो, जब तक मैं ना बोलूँ आइज ओपन नहीं करना, ठीक है? जब मैं बोलूँगी मैं आनी, आइज ओपन कर लो, फिर ओपन करना, ठीक है? आइज ओपन करो। डॉल और एक और भी सरप्राइज है, कलर। एक और भी है, पेंसिल। वाओ, आपको पसंद है? आपके लिए भी सरप्राइज रखा है, सरप्राइज रखा है। आप आइस बंद करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहले आइस बंद करो, आइस पहले बंद करो, जब तक मैं ना खोलूं आइस नहीं खोलना, ठीक है? आइस खोलो। फुली कर। ये कौन है? मम्मा। ये भी मम्मा देखा। एक और सरप्राइज भी है, आइस बंद करो अब्दुल भाई, खोलो। ये की है। कलर पसंद आया आपको? और अभी मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई है, तो इसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह कुछ नहीं डाले क्योंकि बच्चे नहीं खा सकते। सिर्फ उनके लिए मैंने एक बॉइल्ड एग इसमें ऐड कर लिया था। और अभी बच्चों को मैं खाना दे दूँगी और साथ ही मैं किचन की भी सफाई कर रही हूँ क्योंकि रात में जब किचन की सफाई होती है तो सुबह किचन जो है साफ मिलता है। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।